मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा यहाँ पर आपको आज वर्कशीट नंबर 42 करनी है इंग्लिश में। और सबसे पहले आप जानते ही हैं कि यहाँ अपना नेम फिल कर देंगे, उसके बाद अपने क्लास टीचर का नेम फिल कर देंगे, ठीक है। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है वो बेस्ड है एक पोयम पर जिसका नाम है चीवी। अब आप सोचेंगे ये क्या पोयम है, चीवी क्या नाम हुआ? तो चीवी का मतलब होता है जब कुछ बच्चे थोड़े बड़े हो रहे होते हैं उस टाइम के पर उनके पेरेंट्स को बार बार में कुछ चीजें करने को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई रिलेटिव आता है और आपके मम्मी आपको बार बार बोलती है बेटा ऐसे करो, नमस्ते करो, इनको गुड मॉर्निंग करो या इनको पानी दो, तो बार बार में जो भी चीजें फ्रिक्वेंटली करने को कही जाती है उसको कहा जाता है चीवी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि चीवी का मीनिंग क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर एक स्टेंजा दिया हुआ है। When Michael was 5 years old, his mother took him to a nearby school for admission. तो जब Michael 5 साल का था उसकी मम्मी उसको कहाँ लेके जाती है, पास के एक स्कूल में एडमिशन के लेकर जाती हैं। The teacher asked, What does your mother call you at home, child? तो उसके टीचर उससे क्या पूछते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हें घर पर क्या बुलाती हैं? Michael don't. केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई। तो माइकल उस टाइम पे कुछ ठीक से रिप्लाई नहीं कर पाता तो उसकी मम्मा उसको बोलती हैं कि तुम कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करो। तो रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोयम चीवी कंपोज बाय माइकल रोजन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपको चीवी पोयम में से एक यहाँ पर स्टेंजा दिया हुआ है, इसको आपको रीड करना है और आपको आंसर देनी है। पुट द टिक मार्क अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन, और जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसके अगेंस्ट आपको क्या करना है, टिक मार्क करना है। तो बहुत इजी है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेंजा को रीड करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप स्टेंजा रीड करेंगे। ग्रोन अप से थिंग्स लाइक स्पीक अप, Don't talk with your mouth full, don't stare, don't point, don't pick your nose, sit up, say please, less noise, shut the door behind you. तो जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो आपसे ये चीजें अक्सर कही जाती हैं, स्पीक अप बोलो, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, और जब आपका मुंह भरा हो तो उससे बात मत करो, डोंट स्टेयर किसी को घूरो मत, डोंट पॉइंट किसी को पॉइंट मत करो, Don't pick your nose, अपने nose को pick मत करो, sit up, ठीक है, say please, और लोगों को please बोलो, say less noise, कम शोर करो, shut the door behind you, और अपने पीछे जो door है उसको बंद करो। तो आपसे भी अक्सर ऐसी बातें कही जाती होंगी घर पे, इस तरह की चीजें अक्सर बच्चों को बोली जाती हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, Who is the poet of the poem? तो इस पोएम का पोएट कौन है, तो आपने ऊपर पढ़ा ही था कौन है, माइकल रोजन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, माइकल रोजन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, हु हैज द हैबिट ऑफ ऑलवेज गिविंग द इंस्ट्रक्शन, हमेशा इंस्ट्रक्शन देने की जो हैबिट होती है, आदत होती है, किसकी होती है, मदर, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या सिबलिंग। तो जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वे कौन देते हैं बेटा, हमें हमारी प्यारी प्यारी मम्मी, तो इसलिए मदर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर्स गिव इंस्ट्रक्शंस टू देयर किड्स सो दैट, जो मम्मी होती हैं इंस्ट्रक्शन देती हैं अपने बच्चों को ताकि वो क्या कर पाए, दे मे बिकम रूड, दे मे लर्न गुड मैनर्स, दे मे बिकम हैप्पी, दे मे बिकम इंटेलिजेंट। तो ताकि उनके बच्चे क्या कर पाए, अच्छे मैनर्स सीख पाए, इसलिए वो उनको इंस्ट्रक्शन देती हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टेयर इज, तो स्टेयर का मीनिंग लिखना है आपको क्या होता है। ऊपर भी हमने पढ़ा था, टू प्ले, टू इग्नोर, टू रिप्लाई, टू लुक फिक्सडली। तो क्या होता है, एक ही जगह पर लगातार देखना, घूरना जिसको बोलते हैं हम, उसका होता है स्टेयर। तो टू लुक फिक्सली, तो इसका ये आंसर करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। तो बेटा अगर आपको कुछ भी यहाँ पर समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ, मेरी जो वर्कशीट करवाई जा रही है वह समझ में आ रही है, तो आप
फटाफट से इसको कंप्लीट कर लीजिए और अपने टीचर्स को भी करके भेज दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।